नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री कर्नाटक के सबसे बड़ी सौगात देंगे और इस दौरान पीएम मोदी करीब बता दें कि 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे बेंगलुरु और साथ ही बता दें कि मैसूर एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इस हाईवे से दोनों शहरों के बीच का सफर काफी आसान हो जाएगा। अब तक करीब 3 घंटे लगते हैं और इस एक्सप्रेसवे से सिर्फ 1.5 घंटे का ही यह सफर पूरा कर सकेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी का मांड्या और हबली धारवाड़ जिलों का दौरा करने वाले हैं और इस दौरान वे कई परियोजनाओं का उद्घाटन करते नजर आएंगे। आधिकारिक सूत्रों का हवाले से यह पता चला है कि पीएम अपनी दिन भर की यात्रा के दौरान राज्य में लगभग 16,000 करोड़ रुपए के परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्बई और साथ ही बता दें कि खुशी जाहिर कर अपनी बातों को उन्होंने साझा किया है और कहा है कि साल 2019 में यह काम शुरू किया गया था और इस प्रोजेक्ट का पूरा खर्च प्रधानमंत्री मोदी के पास से किया गया है। पीएम मोदी आज बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बताया जा रहा है कि एक्सप्रेस वे 8,480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई है। ये बता दें कि 118 किलोमीटर लंबा है। इसके साथ ही बेंगलुरु मैसूर के बीच की यात्रा के समय 3 घंटे के घटकर सिर्फ 1.5 घंटे हो जाएगी। पीएम मोदी ने सड़क परिवहन और साथ ही राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के ट्वीट को रिट्वीट कर बताया है कि बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे के निर्माण में 4 रेल ओवरब्रिज और साथ ही 9 ब्रिज, करीब 40 छोटे पुल और साथ ही 69 अंडरपास है। वहीं भोपाल में बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विदेश में बैठकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि संसद में उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा। उनसे इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या कुछ हो सकता है। उन्होंने राजनीति को मौका नहीं दिया जाना चाहिए और देश से बाहर निकाल देना चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि चाणक्य ने कहा था कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने इस कथन को सच साबित कर दिया। उन्होंने कहा है कि अगर संसद का कामकाज आराम से हो रहा है और इस आराम से होने के कारण संसद में ज़्यादा कामकाज हो सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा काम होगा तो कांग्रेस का अस्तित्व नहीं बचेगा। कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त के कागार पर है और अब उसका मस्तिष्क भी भ्रष्ट पर जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के लंदन में ब्रिटिश सांसदों से कहा था कि भारत की लोकसभा में विपक्ष के लिए माइक अक्सर खामोश कर दी जाती है। राहुल ने हाउस ऑफ कॉमन्स परिसर में स्थित बता दें कि ग्रैंड कमेटी रूम में विपक्ष दल लेबर पार्टी के भारतीय मूल के सांसद वीरेंद्र शर्मा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये बयान दिया था। आज पूर्व बता दें कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सीतापुर महमूदाबाद के पोखरा कला गांव के महेंद्र वर्मा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रतिमा और का अनावरण करते नजर आएंगे और जनसभा को संबोधित कार्यक्रम में भी शामिल होते नजर आएंगे। इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई दिग्गज नेता सपा का दामन थामते नजर आएंगे। वहीं बता दें कि बिस्वा के वर्तमान बीजेपी विधायक बड़े भाई प्रमोद वर्मा अपने हजारों समर्थकों के साथ सपा का दामन थामेंगे। वहीं पूर्व विधायक रामपाल यादव हजारों समर्थकों के साथ अपने पुराने घर सपा पर वापसी करते नजर आएंगे। कल सारे समर्थक इतने हमारे हैं, सारे समर्थकों के साथ लगभग मेरे सुनने मिला है कि कम से कम आप 10,000 जनता के साथ आप जा रहे हैं बीजेपी में से, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब पूरे समर्थक जिले में हमारे हैं और सब पार्टी के हैं, पार्टी के साथ हम जा रहे हैं घर वापसी। कि अब जो भविष्य है बच्चों का, जब रोजगार परक शिक्षा मिलेगी तभी जो है भविष्य उनका सुरक्षित होगा। आज की तारीख में यहाँ बस ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, कोई टेक्निकल कॉलेज हमारे जिले में नहीं है बड़े।
हरदोई के महाराज सिंह पार्क में होली मिलन समारोह में पहुंचे पूर्व सांसद। बता दें कि राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने सपा बसपा कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि सपा गुंडों की पार्टी, मायावती ने गुंडों को खुद नेता बनाकर पैसा लेकर राजनीति में पहली बार टिकट में पैसे का साथ एंट्री हुई है और उन्हें कांग्रेस को अपनी कर्मों से हार गई है और साथ ही मोदी जी किसी भी देन है और साथ ही विपक्ष की है। और साथ ही इस दौरान पत्रकारों के कई सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा है कि राजनीतिक दलों की तैयारी तेज कर दी गई है। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी और एनसीपी का गठबंधन होगा और एक साथ चुनाव लड़ेंगे, कैसे देखते हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि यूपी में जब सपा बसपा का गठबंधन मोदी जी को नहीं हरा पाया तो कोई भी गठबंधन अब आ जाए उनको नहीं हरा सकता। सपा बसपा का गठबंधन मोदी जी को नहीं हरा पाया तो कोई भी गठबंधन हो जाए वो नहीं हरा सकता है। अखिलेश जी टूटी फूटी अध जली अध मरी अगर सब पार्टियों को भी अपने साथ मिला लें तो वो कभी मूर्ति नहीं बन सकती। जिलाधिकारी और बदायूं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में कोतवाली उजहाइनी और संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है जिसमें जनता की समस्या का सुनकर मौके पर निस्तारण किया गया और समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को निस्तारण करने के आदेश भी दिए गए हैं। दरअसल आज जिलाधिकारी मनोज कुमार बदायूं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह के कोतवाली उजहाइनी पर उपस्थित रहकर संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता की है और इस दौरान फरियादियों की समस्या को सुनकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर जन शिकायतों की निष्पक्ष जांच करने के लिए विधिक निस्तारण करने के निर्देश देते नजर आए। संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त प्रार्थना पत्रों में समयबद्ध रूप से निस्तारण करने और साथ ही जिस प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्च स्तर पर किया जाना है उन पर रिपोर्ट लगाकर संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जनपद के समस्त क्षेत्र अधिकारीगण और साथ ही थाना प्रभारी द्वारा अपने अपने सर्किल थानों में उपस्थित रहकर जन शिकायतों का निस्तारण कराया गया है। जनपद बाराबंकी के विकासखंड हरख क्षेत्र अंतर्गत मोथड़ी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल यहां पर विद्यालय में समय से ना खुलने के कारण ग्रामीणों द्वारा घंटों देरी तक पहुंचने का कारण पूछा गया तो वहां पर प्राध्यापक बता दें कि विश्राम वर्मा भड़कते हुए नजर आए। अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वह बता दें कि प्रधानाध्यापक कहते हुए नजर आए हैं कि घर के कार्य में देरी हो गई। वहीं जब ग्रामीण ने सवाल किया कि काफ़ी संख्या में एकत्र बच्चे सड़क के किनारे खड़े रहते हैं, यदि कोई दुर्घटना हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, जिस पर प्रधानाध्यापक द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। वहीं इस मामले को लेकर जब खंड शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि मामले की जाँच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। वहीं महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही पुलिस ने ठगी के पास से 4 मोबाइल भी बरामद किए हैं। दिनों से थाना चांदपुर क्षेत्र में एक प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बना करके और पैसा ऐंठने वाला गैंग सक्रिय था जो है। दिनांक 10 तारीख को अशरफ तनाफ अमीनुद्दीन निवासी हल्दौर ने इस आशय की एक शिकायत किया। इनके तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर पुलिस द्वारा इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की गई और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसमें बिजनौर का ये पूरा मामला है जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल बता दें कि ये जो ठगी के गिरोह है उनका पुलिस ने पर्दाफाश किया है और बता दें इस दौरान ये जो ठगी की गिरोह है ये प्रेम जाल में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाकर ठगी करते थे जिसके गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर लिया है। महिला सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ठगी के पास से 4 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए हैं। लगातार पुलिस इस ठगी गिरोह का तलाश में थी जिसके बाद से पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बिजनौर की ये खबर जहाँ पर पुलिस ने ठगी करने वाले इस गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया है और लगातार बता दी कि उनके पास से मोबाइल के साथ ही तमाम चीजें बरामद की गई है।
महुआ में पुराने रंजिश के चलते दबंगों ने पति पत्नी सहित पूरे परिवार को मार पीट कर लहूलुहान कर दिया। वहीं एक परिवार के 5 लोग इस इलाज में घायल हो गए हैं, जिनका जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई न करने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार ने अपनी जान माल का खतरा बताते हुए पुलिस पर नामजद आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल ये घटना जनपद के चरखाड़ी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सुपो अखोड़ा इलाके से आती है, जहाँ पर रहने वाले राकेश कुमार राजपूत की 8 महीने पूर्व ही बता दें कि बाइक चोरी हो गई थी, जिस पर गांव में रहने वाले अजय के बेटे निर्भय सिंह के खिलाफ बाइक चोरी करने की लिखित शिकायत पुलिस को दी गई थी। इसको लेकर अजय और उसका पूरा परिवार रंजिश मानता था और इस दौरान बताया जाता था कि 8 महीने पूर्व बाइक चोरी की पुलिस को शिकायत के चलते ही अजय और राकेश के परिवार के बीच ये रंजिश की शुरुआत हुई थी। पहले हमारी बात चोरी हो गई थी, फिर वही रंजे थे भैया, बीच में 2 महीने पहले बंदूक बंदूक चोर डाली थी, फिर कल घटना हो गई। कौन लोग हैं ये जिन्होंने मारपीट की? चोपड़ा खुड़े के हैं, तमंग लोग हैं। कौन कौन थे? राजेंद्र है। कासगंज में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पर बता दें कि गेहूं के खेत में ले जाकर इस मामले को अंजाम दिया गया और साथ ही बता दें कि पिता की तहरीर पर पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया है। इसके बाद से पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराकर किशोरी का चिकित्सक बता दें कि चिकित्सीय परीक्षण कराया है और ये पूरा मामला पटियाली कोतवाली क्षेत्र के नगला चक गाँव का बताया जा रहा है। आपके बेटे के साथ मेरी लड़की सर बलात्कार हुआ है मेरी। कौन लोग थे? मंजेश नाम का लड़का है, अगला चेक का। और सर मेरी लड़की खेत से आ रही थी लकड़ी, वो सरसों की लकड़ी लेकर, और उसने हमारी लड़की के संग में रास्ता में आता फेंक दी और उसकी बेइज्जती कर दी। शाहजहाँपुर के थाना परोड़ क्षेत्र में खुजरी से चौंकाने वाला वारदात सामने आया है, जहां पर पैरोल थाना इलाके में खुजरी में समधी से समर्थन बता दें कि समधन को गोली मारकर हत्या की गई है। फिर समधन के लड़के सोनू के आरोपी पप्पू के तमंचे के बट पर सिर पर बार बार वार किया गया है, जिसके आरोपी पप्पू का सिर फट गया और इस दौरान चीख पुकार के बाद ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर बीच बचाव किया है। मौके पर बता दें कि आरोपी जो है वो फरार हो गया है। वहीं घायल समधन को ग्रामीण पैरड़ थाना लेकर गए हैं, जहां पर पुलिस ने महिला चंदावर्ती की हालत को गंभीर देखते हुए बता दें कि डॉक्टर ने उन्हें CSC भर्ती कराया है, जहां पर डॉक्टर प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल उन्हें रेफर करते नजर आए। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 58 वर्षीय चंदावती महिला अपनी बेटी सुनीता के यहाँ खुजरी आई हुई थी और इस दौरान ये मामला सामने आया। अविवाहित है और इसी के यहाँ जो मृतका है वो काफ़ी समय से रह रही थी, जिसको लेके आपस में ये विवाद होता था। बीच में इधर उसकी जो मृतका है उसको पप्पू सिंह ने अपने घर से हटा दिया था और इस कारण से इनके परिवार के बंधे इस तरह का विवाद अक्सर होता रहता था। अभी तक मृतका के पक्ष से किसी के द्वारा तहरीर नहीं की गई है। मौके का निरीक्षण सभी अधिकारियों द्वारा किया गया है और जब जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल सामान्य है और जैसे ही तहरीर आएगी उसके आधार पर जो दोषी हैं उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की जाएगी। झांसी जनपद के थाना टोंडी फतेहपुर अंतर्गत ग्राम धुरवाई में श्रम कुमार बता दें कि श्रवण कुमार वाजपेयी के घर पर घुसकर असलाहा धारकों ने 8 मार्च की रात को डकैती की थी और तमंचा के बट पर गृहस्वामी और पर हमला करते हुए सोने चांदी के आभूषण और लाखों रुपए के सामान ले गई थी। इस दौरान बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश S के द्वारा SOG टीम और साथ ही पुलिस टीम अपराधियों की तलाश में लगातार जुटी थी। वहीं थाना प्रभारी मऊरानीपुर बता दें कि सतीश सिंह और साथ ही SOG टीम के प्रभारी वी सिंह की सूचना मिली कि कुछ लोग मऊरानीपुर होते हुए मध्य प्रदेश जा रहे हैं और सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इस दौरान महेवा चौकी के पास चेकिंग कर उक्त मोटरसाइकिल पर सवार युवकों को रोका गया है। इस दौरान 3 लोग भागने में सफल रहे हैं। वहीं सोनू रेकवार और साथ ही सलमान खान ने पुलिस टीम से मुठभेड़ हो गई और इस दौरान दोनों युवकों के पैर में गोली लग गई। 3 किलो का चांदी है और जेवरात 200 ग्राम का लगभग है।
जो दो लोगों को कब्जे से मिला है, इसके अलावा जो अवैध असला है और जो जिस घटना से ये लोग मोटरसाइकिल से फरार हुए थे घटना के बाद, उस मोटरसाइकिल भी हम लोग बरामद कर लिया है। कैश अभी फिलहाल 1,00,000 बरामद हो पाया। वही मैनपुरी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसके बाद से बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश सहित 5 को पुलिस ने पकड़ लिया है। दरअसल अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश फरार हो गए थे। ये पूरा मामला बता दें कि मनावली थाना कुड़ावली के बता दें कि गैलनाथ पुल के पास नहर की घटना बताई जा रही है। 7 बदमाश आते हुए दिखाई दिए तो इन लोगों ने रोकने का प्रयास किया तो रुक नहीं बल्कि बैक होकर के भागने लगे, तो हमारी पुलिस पार्टी ने इनको घेराबंदी का प्रयास किया, पीछा किया तो ये लोग फायरिंग करने लगे। पुलिस ने इनको पकड़ने के लिए आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें से एक बदमाश जो मोहम्मद हाशिम नाम का है, जो नवाबगंज फरुखाबाद का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी है। वहीं ललितपुर सोजना थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल पैदल गश्त करने के लिए निकले थे और रास्ते में पीछे से एक बाइक सवार युवक ने टक्कर मार दी, जिसमें 2 सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए आनन फानन में मेहरौनी सीएससी लेकर आए, जहां पर दोनों सिपाही की हालत खराब देखते हुए ललितपुर जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। वहीं एक सिपाही ड्राइवर की हालत गंभीर देखते हुए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है और हेड कांस्टेबल सिपाही का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मामला ललितपुर के थाना सोजना का बताया जा रहा है। वहीं झांसी के बड़गांव में बता दें कि सब्जी के टपरों में आग लगने का मामला सामने आया है। वहीं आग में इतनी तेज लपटे थी कि वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने टीम ने आग पर किसी तरीके से काबू पाया है। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग की चपेट में लाखों का सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। वहीं झांसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। शाहजहांपुर जनपद के तिलहर थाना क्षेत्र में गांव दियाखेड़ा में होली वाले दिन 2 पक्षों में विवाद हो गया। इसके बाद से दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। इस घटना का वीडियो शनिवार को वायरल हुआ है। वहीं शाहजहांपुर के थाना तिलहर क्षेत्र में होली वाले दिन आखात डालने के दौरान 2 पक्षों में मारपीट के बाद जमकर फायरिंग हुई। वहीं मारपीट में दोनों पक्ष से कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को सीएससी पहुंचाया है। दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। इस घटना में वीडियो शनिवार को वायरल हुआ है, जिसमें एक छत पर कुछ लोग फिल्मी स्टाइल में फायरिंग करते दिखाई दिए। ग्राम दिया खेड़ा थाना तिलहर में मारपीट फायरिंग घटना का वीडियो एक वायरल हुआ है, जिसके संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 8/3 को रात्रि में वीरपाल और ऋषिपाल इन पक्ष में किसी मामले को लेकर मारपीट घासनी और फायरिंग की घटना कार्य की गई थी, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही थाना तिलहर पुलिस तुरंत तत्काल मौके पहुँची। उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई। SP साहब के निर्देशन में सख्त कार्रवाई करने का निर्देश मिला, जिसमें मौके पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 3 अवैध तमंचे और उनका कारतूस भरे हुए कारतूस बरामद किए गए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।